अब सिर्फ इस आखिरी रास्ते से ही प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई की टीम। मुंबई को आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए जरूरत होगी इस चमत्कार की। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन से तरीके से प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस की टीम, साथ ही कौन से चमत्कार की होगी मुंबई इंडियंस को दरकार, बताएंगे आपको मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के आखिरी समीकरण के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 का प्लेऑफ खेले तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 में चेन्नई के साथ सबसे ज्यादा आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई इंडियंस लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। इस सीजन की सबसे धाकड़ टीम होने के बावजूद इस वक्त मुंबई इंडियंस की टीम 10वें स्थान पर है। मुंबई ने अब तक खेले 11 में से सिर्फ 3 ही मुकाबले जीते हैं, जबकि उसे 8 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। मुंबई इंडियंस के खाते में फिलहाल 6 अंक ही मौजूद हैं। मुंबई इंडियंस की टीम को अपने आखिरी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन से समीकरण के जरिए मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। दरअसल मुंबई इंडियंस ने अब तक खेले गए 11 मुकाबलों में से 3 मैचों में जीत दर्ज की है। अभी मुंबई इंडियंस के 3 मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। उन तीनों ही मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को अच्छी नेट रन रेट के साथ जीत दर्ज करनी होगी, जिससे कि मुंबई इंडियंस की टीम 12 अंकों तक पहुंच जाए। साथ ही मुंबई इंडियंस को ये दुआ करनी होगी कि चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, पंजाब और गुजरात की टीम 12 अंकों से ज्यादा तक नहीं जाए। अगर मुंबई की अच्छी नेट रन रेट हुई तो वह प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में सफल हो पाएगी। मुंबई इंडियंस के अगले 3 मैच सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ है। ऐसे में मुंबई इन 3 टीमों के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर अपने नेट रन रेट को बेहतर करना चाहेगी, जिससे कि 12 अंकों के साथ भी मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। तो दोस्तों, आपके मुताबिक क्या ये बड़ा चमत्कार कर मुंबई की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।